सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 665 रियासतों को एक करके जब एक भारत करने का काम किया था, एक भारत का निर्माण करने का काम किया था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इतिहास के पन्नों को खोजा और पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गए। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूँ कि मेरी नजरों में जिसने एक भारत बनाने का काम किया, जिसने 565 रियासतों को एक करने का काम किया, राष्ट्रपिता वही हो सकता है, राष्ट्रपिता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 665 रियासतों को एक करके जब एक भारत करने का काम किया था, एक भारत का निर्माण करने का काम किया था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो गए ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इतिहास के पन्नों को खोजा और पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गए। लेकिन आज मैं आह्वान करता हूँ कि मेरी नजरों में जिसने एक भारत बनाने का काम किया, जिसने 565 रियासतों को एक करने का काम किया, राष्ट्रपिता वही हो सकता है, राष्ट्रपिता सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकते हैं।